कैपेसिटर है, मैंने उसको चार्ज कर लिया, कितना, जितना फुली चार्ज हो सकता था, जितना जी भर के चार्ज कर लिया क्यू, अब कहता डिसकनेक्ट कर दिया उसके बाद, और दूसरा सेम कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, द एनर्जी स्टोर, हर एक में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, समझने की कोशिश करना। अगर एक कैपेसिटर है, मैंने उसको फुली चार्ज कर लिया, चलो ये कैपेसिटर है फुली चार्ज कर लिया, और यहाँ पर मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर लेके आया, ये अनचार्ज कैपेसिटर था, इसको मैंने चार्ज किया, तो पोटेंशियल भी, एनर्जी यू, चार्ज क्यू, ये सारा स्टोर हो गया। जैसे ही मैं अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करूंगा, सर्किट क्लोज करूंगा यहाँ पे, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी दोनों पे, तो कितना होगी वही तो हमें निकालना हर एक चार्ज पे। तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, या क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है तो यह जाएगा q स्क्वायर अपॉन टू सी, v की वैल्यू डाल दिए, तो q स्क्वायर अपॉन टू सी, दिस इज द एनर्जी इनिशियली, दैट इज q स्क्वायर अपॉन टू सी, जब आपने g भर के चार्ज कर लिया था ये। अब जब आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पता ना, क्योंकि ये प्लस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, और इस प्लेट को पहले इस पे चार्ज जीरो था, तो जब इस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और उस फ्लो में कुछ न कुछ इस पे चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से इसके पास अब कुछ एनर्जी और चार्ज बदल चुका है। अब हमें क्या करना है, फाइनली इसकी एनर्जी इन, मतलब हर एक पे एनर्जी निकालना, समझने की कोशिश, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। फाइनली इस पे चार्ज Q1 हो गया और इस पे चार्ज Q2 हो गया। चार्ज कंजर्वेशन के लॉ से Q1 प्लस Q2 फाइनल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल चार्ज, पोटेंशियल भी हो गया, तो यह आ जाएगा, पहले इसकी कैपेसिटी कितनी थी, C थी, C भी प्लस C भी दैट इज Q, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच C टू सी इतना आ जाएगा, दिस इज द फाइनल। पहले जो पोटेंशियल था वो क्यू बाई सी था, अब जो है पोटेंशियल वो बदल चुका, उसको भी डैश मान लेते हैं, ठीक है, पहले भी डैश कंसिडर कर लेते हैं, ये पहले भी लिए थे। अब एक पे एनर्जी कितनी आई, क्योंकि जब तक पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे तब तक एनर्जी कैसे निकालोगे यार, यहाँ पे एनर्जी कितनी, इसके प्लेट इस पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो इस पे एनर्जी स्टोर हुई हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो हाफ इसकी कैपेसिटी सी है, और इसके प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वो, मतलब हमारे पास, तो यहाँ से वी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर, मतलब यह आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एट सी स्क्वायर, एक मिनट, इसकी जो पोटेंशियल है सी डैश सी टू सी, तो क्यू अपॉन सी, तो यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी डैश क्यू ये फोर आ जाएगा, तो दिस इज द, इसका मतलब ये हुआ कि यू के टर्म में लिखोगे तो ये फाइनल है, तो यू के टर्म में लिखोगे तो ये जो है दैट इज यहाँ से हाफ, इसके टर्म में अगर लिखोगे तो पहले क्यू अपॉन टू सी था, तो q अपॉन टू मतलब u बाई फोर, है ना, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इसके टर्म में u इनिशियल एनर्जी, तो एक कैपेसिटर पे जो एनर्जी आई वो इतनी आएगी और दूसरे वाले पे भी उतना ही आएगी, तो u बाई फोर इसका फाइनल सोल्यूशन है। इन दोनों की कितनी एनर्जी हुई वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ना q के टर्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये 4 को कॉमन ले लिया यहाँ से, और ये आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c, जो कि इनिशियल है, तो ये इनिशियल का 4। अब दोनों पे कितना टोटल एनर्जी स्टोर हुआ, तो दोनों पे जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी u बाई u इनिशियल बाई 4 प्लस u इनिशियल बाई 4, मतलब u इनिशियल बाई 2, मतलब दोनों पे जो टोटल एनर्जी वो पहले की आधी हो गई यार, पहले कितनी एनर्जी थी यू भाई 100 जूल एनर्जी था, तो अब दोनों पे 50 जूल एनर्जी बचा,
तो 50 जूल कहाँ गया, 50 जूल लॉस हो गया यार इस कनेक्शन में, क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस वगैरह हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। तो दिस इज द कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम फ्रॉम मी। तो आप मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।